न्यू शो बाबू का मैजिक। बोले तो 100 साल पहले अपुन की कंट्री में एक मस्त आदमी आया था, मोहनदास करमचंद गांधी। बापू ने हमें जीने का सही तरीका सिखाया था, पर आज हम सब भूल गए हैं। तुम ये समझो कि इस वक्त बापू अपुन के साथ स्टूडियो में बैठे लाए। तुम्हारी लाइफ में कोई भी लोचा हो अपुन को बोलो, अपुन गांधीगिरी से सॉल्व करेगा। रिटर्न में हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमारा एक फ्रेंड बहुत ही बीमार है। अरे फुल ICU केस है, लेकिन इलाज कराने के लिए तैयार नहीं है। तुम सब उसको समझाएगा तो शायद मान जाएगा। तो जल्दी से फोन घुमाओ मुंबई। बापू लाइव है, समझ लेना। वाओ फर्स्ट कॉल। कट गया? नहीं काट दिया, ये नंबर वापस घुमा। ओके हेलो। तू डिस्कनेक्ट कैको किया? हेलो, अरे प्रॉब्लम क्या है बोलना यार। तुम क्या कर सकते हो? अरे ट्राई तो करना यार। मुझे 7 लाख रुपए चाहिए। कैको देखिए, मैंने अपने फादर के सारे पैसे शेयर्स में बर्बाद कर दिए। मेरा फ्रेंड कहता था डबल हो जाएंगे, वो घर खरीदने के लिए पैसे बचा रहे थे, कहां से लाऊं? बहुत आसान है, सिंपल। कैसे? खर्चे कम करो, मेहनत ज्यादा, पाई पाई जोड़ो और लौटा दो। देख डबल शिफ्ट काम कर, खर्चा कम कर और पैसा बचा। ये कोई सोल्यूशन है क्या? इसको करते करते 10 साल लग जाएंगे, अभी क्या करूं? सबसे पहले पिताजी को निडर होके सब सच बता दो। देख डेयरिंग करके ना अपने पाप को सब सच बोल डाल। इससे अच्छा तो ट्रेन के नीचे आके मर जाऊं। येड़ा हो गया साला, मिस्टेक खुद करेगा और सदा बाप को देगा। तेरी बॉडी देखकर बहुत खुश होगा ना तेरा बाप। अरे बचपन में जिस गंदे पर तेरे को बैठा कर घुमाया, आज उसी पर तेरे को शमशान लेके जाएगा। अरे 6 महीने तक उसको विश्वास भी नहीं होगा कि तू गया। जिस फोन पे तू बात कर रहा है ना, वही नंबर वो बार बार घुमाता रहेगा ये सोचते हुए कि तू फोन उठाएगा। बात करता है साला। तो क्या करूं? नाम क्या है तेरा? विक्टर, विक्टर डिसूजा। देख विक्टर, वो तेरा बाप है, उससे कुछ मत छुपा। एक सुबह अपुन उठा, अपुन देखा कि अपना बाप था ही नहीं। बहुत कुछ था अपने अंदर, उसको बोलने का था, लेकिन सारा सब अंदर ही रह गया। किधर है वो? अपने कमरे में। क्या कर रहा है? पता नहीं, दरवाजा बंद। दरवाजा खोल और अंदर जा। पर बोला ना, दरवाजा खोल और अंदर जा। सोच मत, अंदर जा। जाओ अंदर, अंदर जा विक्टर। बोला ना दरवाजा खोल और अंदर जा। अब क्या हुआ, कुछ और गड़बड़ कर दी क्या? अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, बोलो हुआ क्या? बोल डाल। कमरे में रेडियो है क्या? ये तुम किससे बातें कर रहे हो? रेडियो ऑन कर। डिसूजा साहब, आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है, अक्का मुंबई सिटी सुन रहा है। बोल डाल विक्टर, बोल। डैडी मैं आपको सब कुछ पहले बता देना चाहता था। राउंड राउंड मत घूम विक्टर, सेंटर की बात बोल, बोल। डैडी मैंने आपके 7 लाख रुपए शेयर्स में कमा दिए। डिसूजा साहब हाथ मत उठाना, आज अगर आप इसे थप्पड़ मारेंगे ना तो ये आखा लाइफ सच बोलने से डरेगा। डैडी मैं शेयर्स का चक्कर बिल्कुल छोड़ दूंगा, जो जॉब मिलेगी करूंगा, न्यूज़पेपर फेंकूंगा, ट्यूशंस दूंगा, लेकिन सारे पैसे बचा के आपको वापस दूंगा। डिसूजा साहब आप उनको मालूम है कि तुम क्या सोच रहे हैं, कि सुबह न्यूज़पेपर फेंककर
7 लाख रुपए कहां से आएंगे? करेक्ट, लेकिन ये सोचो डिसूजा साहब, बेटा तो वापस आ गया ना। अरे ये साला रेलवे ट्रैक पर लेटने जा रहा था, अब आप देखना इसकी अखी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। डैड, फ्रांसिस अंकल के पास 3 टैक्सीज हैं, उन्हें रोज ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है, आप मुझे रेकमेंड कर देंगे? डैड, अगर मैं टैक्सी चलाऊंगा तो आपको ऑकवर्ड फील तो नहीं होगा ना? मैं घर के पास नहीं चलाऊंगा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अंदर जा, जरा फोन देता जा। हेलो, देखिए मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, ये भी नहीं जानता कि आपने मेरे बेटे से क्या कहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज मेरा बेटा बड़ा हो गया। गॉड ब्लेस यू।